छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। अच्छा बेटे, अल्लाह के हवाले। आरिफ जैसे इंसान से मांगनी क्यों कर ली? बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि बस। जरी, तो ये आ जाती है। जरी क्या है? हरीम को देखा है क्या? आज क्या आई है वो या नहीं? और मुझे रूही भी नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। हाँ, रूही बता रही थी, उसकी बात हुई है, वो परेशान है। अच्छा, रूही ने बताया कि क्यों परेशान है? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम खुद ही पूछ लो। हाँ यार, वो असल में कल छोटी सी लड़ाई हो गई थी, फिर मुझे वो कॉल्स कर रही थी, मैं उठा नहीं सकी। मैंने कॉल की तो फ़ोन ऑफ जा रहा है। मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने कहा मैं पूछूँ कहाँ पर है। मैं मनाना चाह रही थी उसको। ओ आई सी, मुझे नहीं पता। चलो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, समीन, समीन, बात सुन। मैंने बाद में रियलाइज किया कि मुझे आपसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, ना आपसे और ना आपकी दोस्त से। I'm sorry. आप सीरियसली ये कह रहे हैं? हाँ, मैं सीरियसली ये कह रहा हूँ। अपनी दोस्त को भी आप मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। पागल हो गई हो? ऐसी जज्बाती बातें नहीं करते। मैं सच कह रही हूँ, इतनी बेइज्जती के बाद ना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। लेकिन अच्छा, रोना तो बंद करो। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी, लेकिन अब लगता है उस खबर का कोई फायदा ही नहीं है। क्या खुशखबरी? तुम्हारी शादी हो रही है। वो तुम्हारा फराज है ना, उसने आज मुझे खुद रोका और मुझसे बात की। फराज ने? हाँ, फराज। क्या कह रहा था? क्या समीन, मुझे सब कुछ सब बताओ, डिटेल में बताओ, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, उसने मुझे कहा कि आई एम सॉरी, और मैंने रियलाइज किया कि मुझे इस तरह से करना नहीं चाहिए था। उसने खास तौर पर कहा कि तुमसे भी सॉरी बोल। तुम सच कह रही हो ना? मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? इसका मतलब है फरहास के दिल में भी मोहब्बत पैदा होगी, जिसका मैं इंतजार कर रही हूं। क्या हो गया? उसने सॉरी बोला, आई लव यू नहीं बोला? तो मैं कह दूंगी, बल्कि तुम कह दो ना। समीन, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं कैसे कह सकती हूँ? समीन प्लीज यार, मेरी खातिर, तुम सब जानती हो ना, तुम तो जानती हो ना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है समीन। एक तुम ही तो हो समीन जो मुझे समझती हो, मेरी हालत को समझती हो। प्लीज समझ लो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? समीन बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार जाकर फराज से बात कर लो। क्या बात कर लूं? और क्यों बात करूं मैं उससे? उसे समझाओ ना, उसे मेरी सिचुएशन समझाओ, ये सब समझाओ ना, उसे उसे सब कुछ सच सच बता दो तुम। और उससे क्या होगा? उसे कहो बस एक बार मेरे घर आ जाए, अपने माँ बाप को लेकर मेरा रिश्ता मांगने के लिए। तुम होश में तो हो? ये बात तुम खुद अपने मुँह से कहोगी? मैं नहीं कहूंगी समीन, तुम कहोगी ना।
मैं तो घर से बाहर निकलने पाबंदी लगाई हुई अब्बा ने। हमारा दिमाग खराब हो गया है। मैं हरगिज़ ये बात नहीं करूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। समीर तुम्हें अपनी बात नहीं करनी है, तुम्हें मेरी बात करनी है उससे। प्लीज यार तुम तो मेरी दोस्त हो ना, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना समीर। जो भी कह लो मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज ना, मेरे अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है समीर। प्लीज समीर मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, रहम खाओ मेरी हालत में, मैं मर जाऊंगी यार समीर। वो एक बार, बस वो एक बार रिश्ता लेकर आ जाएगा समीर, मैं अब्बा के सामने, पूरी दुनिया के सामने डट के खड़ी हो जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज मैं उससे कोई बात नहीं कर सकती, ये कोई मजाक नहीं है और ये मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं करोगी ना मेरा काम, तो नहीं करोगी ना? शर्म नहीं आती, अपने माँ बाप का ही सोच लो। पहले सोच तो लूं कहना क्या है, पता नहीं वो क्या सोचेगा। ये लड़की सच में कुछ ना कर ली अपने साथ। Excuse me. Your phone is ringing. Oh. Thank you. Hello. 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 मैं समीन बात कर रही हूँ, आवाज आ रही है? Hello. Hello. कौन बात कर रही है आप? मैंने कहा ना मैं समीन बात कर रही हूँ, हरीम की दोस्त, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। देखिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं इस वक्त जिम में हूँ, यहाँ पे सिग्नल्स काफी वीक है। आपको जो कहना है जल्दी कहिए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, उसके लिए मुझसे मिल सकते हैं प्लीज? जी मेरी मेरे क्लासेस ऑफ है एक हफ्ते के लिए, रिजल्ट्स के लिए मैं फिर आऊंगा, तो फिर बात कर लीजिएगा आप। नहीं नहीं बात इम्पोर्टेंट है, मुझसे आज किसी तरह से मिल लें। हेलो हेलो हेलो, ये किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, मुझसे प्लीज आज किसी तरह से मिल लें। अच्छा ओके, देखिए मैं आपको वॉइस नोट भेज रहा हूँ, काइंडली वो सुन लीजिएगा आप। ओके ओके। हेलो, मैं इस वक्त जिम में हूँ और यहाँ पे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपको मुझसे कोई काम है तो आज शाम को रेस्टोरेंट आ जाए, मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, उनसे फ्री होकर फिर मैं आपसे मिल लूंगा। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, इस नंबर पे आ सकती है तो। पता नहीं मैं ये ठीक कर रही हूँ या वाला, अम्मी से क्या झूठ बोलूंगी,
खुदा तुम्हें समझे रही, क्या क्या करवा रही हूँ मुझसे। इस दुपट्टे पे लेस लगा दूंगी ना मैं। दुपट्टे पे? और इस पे ये बटन्स ही रहेंगे? नहीं, ये हटा दूंगी। देखो इसमें से कुछ, इसमें लेस है, ये ना ट्राई कर ले। नहीं, ये वाले नहीं, दूसरा रख लो। और ये वाली देखिए। हाँ, नहीं नहीं अम्मी, ये तो आपकी नई शर्ट है, इसका क्या कर रहे हैं? इकरा के लिए बना रही हूँ, इसके कॉलेज में कोई फंक्शन होने वाला है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। लाओ यहाँ से बटन। रुको, तुम दो बार पहले भी आके जा चुकी हो, कोई बात है तो कह दो। फिर आओगी तो शायद ये कमीज भी सिल चुकी होगी, फिर क्या पूछोगी मुझसे? अम्मी आप भी ना, पता नहीं आपको सब कुछ कैसे पता चल रहा था। बेटे माओं के दिल ना बच्चों के साथ साथ ही धड़कते हैं। बोलो क्या कहने की कोशिश कर रही थी? वो मेरी एक दोस्त है, उसकी शाम में बर्थडे है तो मुझे उधर जाना है। किसकी बर्थडे? वो है ना फरा, उसकी। फरा, इस नाम की तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी पहले। हाँ आप ठीक कह रही हैं, वो हरीम है ना, उसकी दोस्त, बल्कि उसकी कजन है। तो वापसी कब तक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी अम्मी। अच्छा फिर ऐसा करो कि इकरा को भी साथ ले जाओ। हाँ बच्चों मैं भी साथ चलूंगी। इकरा को? क्यों नहीं ले जा सकती? नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो हरीम मुझे अपने साथ ऐसे ही लेके जा रही है, तो ऐसे में। अच्छा ठीक है, आज तो तुम चली जाओ, लेकिन आइंदा इस किस्म की कोई भी सालगिरह, कोई भी तकरीब हो जिसकी बराह रास्त तुम्हें दावत ना मिली हो तो खुद ही मना कर देना, वरना मुझे मना करना पड़ेगा और वो तुम्हें बुरा लगेगा। ठीक है। समीन तुम्हारे अब्बू रात 9 बजे तक आ जाते हैं, उससे पहले आ जाना। जी अम्मी, थैंक यू। तो कभी नहीं जाने देती हैं। अच्छा बस करो ना, अगली बार चली जाना। हटाओ इसे यहाँ पे, ये क्यों रखा है? बच्चों से ज्यादा प्यार आपको। छाना ये देखिए। थैंक गॉड आप आ गए। मैं निकलने वाला था, मेरे दोस्त सब चले गए, मैं आपका वेट कर रहा था। एक्चुअली मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी दूर है रेस्टोरेंट और फिर ट्रैफिक। आप प्लीज बैठे, क्या लेंगे आप? कॉफी, फ्रेश जूस, चाय? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ। कर लीजिएगा बात, लेकिन रेस्टोरेंट में इस तरह बिला वजह तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। हाँ तो बस एक कप चाय। एक पानी का ग्लास भी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, एक कप चाय और एक ग्लास पानी प्लीज। थैंक यू। जी कहें। वो मेरी
दोस्त है ना हरीम जी, क्या हुआ उसे? उसके घर वाले उसका रिश्ता तय कर रहे हैं कहीं और अनकरीब उसकी शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा उसे। लेकिन इतनी दूर आप मुझसे ये कहने के लिए आई हैं? नहीं मैं आगे भी बात करना चाह रही हूँ। कहें, मैं सुन रहा हूँ। हरीम आपसे मोहब्बत करती है। What? और आपसे शादी करना चाहती है। शादी मुझसे? जी वो आप ही से शादी करना चाहती है और चाहती है आप अपने वालदैन को भेजें रिश्ते के लिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुदकुशी कर ले। एक्सक्यूज मी, आपका और आपके दोस्त का दिमाग ठीक है या फिर दोनों का दिमाग खराब है? मैंने उसे कोई वादा नहीं किया, मैं उसे मोहब्बत नहीं करता, ठीक से जानता तक नहीं हूँ, शादी के लिए रिश्ता कैसे भेज दूँ? हाँ लेकिन वो आपसे बल्कि बहुत मोहब्बत करती है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उस इंसान से शादी करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करे? समीन दिस इज इनसेन, हद होती है यार ऐसे कैसे। मैंने आप लोगों को सॉरी क्या कह दिया? आपको और आपकी दोस्त को यही लगने लगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और उसके घर रिश्ता जाके भेज दो। ये नहीं हो सकता, दिस इज क्रेजी समीर। अब प्लीज जाए यहां से। Right, cancel. समीन क्या हुआ? राइड बार बार कैंसिल हो रही है, इस एरिया में कोई ज्यादा राइड्स मिल भी नहीं रही हैं और देर हो रही है घर पहुंचना है, अंधेरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह ड्रॉप कर लेता हूँ जहां तुम्हें राइड इजीली मिल सकती है, यहाँ नहीं मिलेगी। आ जाओ। सुनना है कुछ, प्ले करना कोई म्यूजिक वगैरह? नहीं, बहुत देर हो गई है, देखते ही देखते अंधेरा हो गया। कौन जाएंगे शायद? बैग को आप पीछे रख सकती हैं या फिर नीचे भी अगर प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं
ऐसे ही चाहिए, कोई तेज कर दो। आप यहाँ इस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? यहाँ अंदर तो काफी सुनसान है। आप परेशान मत हो, इस वक्त मेन रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको इस रास्ते लेके जा रहा हूँ ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया पता नहीं, इतना लेट भी हो रहा है। आप परेशान मत हो, मैं चेक कर रहा हूँ गाड़ी को। मैं चेक करता हूँ, मुझे परमिट दे प्लीज। आप ही बैठे रहे। हुआ क्या है? मैं देख रहा हूँ। कितनी देर और लगेगी मुझे घर भी जाने में? मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। आई नो, आप प्लीज अंदर बैठे, मैं देख रहा हूँ, मैं देख के बताता हूँ आपको। कितनी देर लगेगी मुझे घर भी जाना है। यार मैं कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ ना आप। कहीं तुमने जान, क्या कहना चाहती है आप? कहीं मैंने जान के गाड़ी खराब की और यहाँ पे आके रोक दी हैं? इतनी घटिया बात आइंदा मत कीजिएगा। मैं राइड मंगवा रहा हूँ आपके लिए, आप अब यहाँ पे खामोशी से बैठी रहें प्लीज। कॉल आ रही है आपकी, मुझे पता है, मेरी अम्मी की कॉल है, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकती, उनसे झूठ बोलकर आई हूँ, बताया नहीं कि आपसे मिलने आ रही थी। अगर सच बताती तो मुझे कभी भी नहीं आने देती। काश बताती होता, फिर वो आपको मना करती आने से, और फिर आप इस तरह मेरे सर पे मुसल्लत नहीं होती। भाई जी, क्या हो रहा है? मम्मी आप बैठ जाए ना, ये पानी पिए। अनु, उसे कहा भी था कि अपने अब्बू के आने से पहले आ जाए, फोन ही नहीं उठा रही है। और अगर तुम्हारे अब्बू के सामने आ गई फिर मैं क्या कहूंगी तुम्हारे? तो ये बात बच्चों को मालूम होगी ना, वो आ जाएंगे अब्बू के आने से पहले। कब आएगी? 9:15 हो रहे हैं, 9 बजे तक आ जाते हैं। कभी भी इतनी लापरवाही नहीं थी, क्यों कर रही है ऐसे? हम ये हरीम बाजी को कॉल करते हैं ना, बच्चों के साथ है। हाँ, रुके मैं फोन करती हूँ। इनका फोन तो बंद है अम्मी, अब क्या होगा? अल्लाह, बच्ची को अपनी अमान में रख, हिफाजत से घर आ जाए। ओ, डेटे चल रही हैं। यही जगह मिली थी तुझे, कल गाड़ी के कागजात लेकर आ। क्यों, किस लिए, क्या किया हमने? इतनी रात को तू सन्नाटे वाले रोड पर एक लड़की के साथ अकेला घूम रहा है और पूछ रहा है कि तूने क्या किया। चल गाड़ी के कागजात लेकर आ, हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? रंगे हाथों पकड़ लिया, क्या रंगे हाथों पकड़ लिया, क्या किया है? ओए, आवाज नीचे, बिल्कुल नीचे। एक तो तू लड़की के साथ पकड़ा गया, ऊपर से कर दिखा रहे है? अब गाड़ी की तलाशी भी होगी और तुम दोनों की भी। ए लड़की, चल बाहर आ।
ए लड़की बाहर आ, साइड पे, साइड पे। क्या लड़की लड़की लगा रखा है, बीवी है वो मेरी। और क्या मियां बीवी को कहीं घूमने फिरने के लिए आप लोग की परमिशन लेने की जरूरत होगी? अच्छा तो बीवी है तेरी, है लाने का नामा दिखा। क्या किस सदी की बात कर रहे हो है? तू इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बाशिंदा है ना, और इस मुल्क के अंदर जबानी कलामी निकाह नहीं होता, पक्के कागज के साथ निकाह होता है। तूने पक्के कागज के साथ किया है ना, तो चल दिखा निकाह नामा जल्दी से। बिल्कुल, जिस तरह सब करते उसी तरह हमने भी किया है, लेकिन निकाह नामा साथ लेके कौन फिरता है ये बताएं। अच्छा क्यों बीबी, सही कह रहा है, शौहर है तेरा, ए बोल ना। ए ए आराम से, वो आप लोग को देख के घबरा गई है, उसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात कर। अगर वो तेरी बीवी है तो वो घबरा क्यों रही है? चल साइड पर और मुझे बता कि वो क्या लगती है तेरी, जो इतनी रात को तू लेकर उसको बगैरती कर रहा है। अरे इससे बात करो, बगैरती कर रहा है, मैं कोई बगैरती नहीं की, तभी से बात करो। ओए पीछे हट, पुलिस वाले पे हाथ उठाओ। तूने पुलिस वाले पे हाथ उठाया, तुझे पता चलेगा तेरे साथ क्या होता है जब मैं करूंगा। चल थाने इसको। हरीम तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, तो क्या करूं? उठ के दो चार रोटियां डाल लो। मैंने खाना ही नहीं तो पकाऊं क्यों भाई? कब तक करोगी भूख हड़ताल? शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहां तुम्हारे अब्बा जुबान दे चुके हैं। जाओ अम्मा जाओ, तुम जैसी माएं होती हैं जिनकी वजह से बेटियों की जिंदगियां खराब होती हैं। अल्लाह ही तुम्हें अकल देगा, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ, बेवकूफ। लड़की से क्यों दूर रहते हो? तुझे भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे, इसको भी गाड़ी में डालेंगे। पुलिस वाले को गलत कहती हुई है आप लोगों को, गलत है। सर क्या बात है भाई, क्या मामला लगाया हुआ है? सर ये सुनसान सड़क पे गाड़ी में लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था, हमने रोका तो। देख झूठ बोल रही है। सर झूठ ये बोल रहा है, हमने रोका तो हम पर ही हाथ उठाने लग गया। सर पुलिस पर हाथ उठाया इसने। खुर्शीद बिल्कुल सच बोल रहा है सर, इतनी रात को इस लड़की के साथ पता नहीं क्या हरकतें कर रहा था, हमने पूछा तो बोलता है मेरी बीवी है, निकाह नामा मांगा मगर निकाह नामा नहीं है सर, शादी होगी तो निकाह नामा होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी सिर्फ और सिर्फ गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा तो तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी, ये काफी पुरानी और घिसी पिटी गोली है, जब चलती है तो ठुस हो जाती है। तो ये बताओ तुम दोनों के वालदेन करते क्या हैं? हमारे मेरे अब्बू अखबार में सहाफी हैं, बहुत नाम है उनका, ऊपर तक लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने छोड़ा नहीं ना हमें, मैं उनको बता के आप लोगों के खिलाफ अखबार में खबर भी लगवा सकती हूँ। तो बीबी नाम भी बता दीजिए अपने वालिद का। इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, ठीक। सर वो लड़की बता रही है कि वो इब्राहिम खान की बेटी है। इब्राहिम खान।
क्या हो गया भाई? मैं जब से चाबी लगा ट्राई कर रहा हूँ, तुमने घुंडी लगा रखी अंदर से। नहीं वो पता नहीं भूल के बस मैं गलती से लगा दी घुंडी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है, कुछ नहीं, आप गाड़ी अंदर लाए, मैं गेट खोलती हूँ। कट रहा था ना, प्याज उठा रहा था। आने चल तुझे बताते हैं। सर तलाश ली गाड़ी की? सर बस लेने लगे थे। सर इन दोनों को नासेब हरकत करते हुए पकड़ा है। जब लड़के से पूछा गया कौन है तो कहता है कि मेरी बीवी है, तो इन्होंने डिमांड की कि निकाहनामा बताओ। सर आप तो जानते हैं जो सड़कों पर इस तरह की हरकतें करते हैं वो मियाँ बीवी नहीं हो सकते। ये क्या कर रहे हैं? बीबी चेहरा ना छुपाएं, सर को चेक करने दें। इब्राहिम खान, यही नाम है ना तुम्हारे बाप का? फोन करते हैं उसे, बुलवाते हैं। देखे शरीफ लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें जाने दें। अब याद रखें, सोशल मीडिया पर ऐसा वो लगाऊंगा ना आप लोगों का कि वो बंद कर, एक लफ्ज आगे नहीं बोलना। ये इकरा इसमें कौन सी नमाज पढ़ रही है भाई? और समीन कहाँ है? जी वो उसने ईशा की नमाज ही नहीं पढ़ी थी अभी तक, तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ लो फिर खाना खा लेना। और अच्छी तरबियत कर रही हो तुम मेरी दोनों बच्चियों की, इसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रगुजार हूं कम है। आप कपड़े बदल लें, मैं बस रोटियां पका के खाना लगा रही हूं। हाँ ठीक, बल्कि ऐसा करो कि मुझे खाना लाउंज में दे ना, मैं जरा टीवी पे कुछ प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। ठीक है। वो आरिफ आ गया? आरिफ ने आज आना था क्या? हाँ भाई, उसका दोपहर में फोन आया था कि वो रात तक पहुंच जाएगा, बल्कि उसने तो ये भी कहा था कि खाना साथ ही खाइएगा, लेकिन मुझे तो भूख लगी है तो मुझे खाना दे दो, उसके साथ चाय वाय पी लूं। ठीक ठीक। तुम ऐसा करो, गेट का छोटा दरवाजा बंद करके मैंने समीम के लिए खोला था, और वहीं बैठ जाना, आरिफ आने वाला है। लेकिन अम्मी आरिफ भाई आकर बच्चों का पूछेंगे तो क्या कहूंगी? हाँ बताए ना, क्या बोलूंगी उनको? कुछ नहीं बोला, बस जाओ जाओ जल्दी जाओ। लेकिन जाओ
मियां बीवी तो लगते नहीं हो तुम दोनों। डालो गाड़ी में इन दोनों को। सोशल मीडिया की धमकियां दे रहा है, पुलिस किसी के बाप से भी नहीं डरती है। सोशल मीडिया क्या चीज है सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज 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 ऐसा मत करें, मेरे मेरे अब्बू को मेरे वालिद को प्लीज मत बताइए। अब आई ना पट्टी पे, सड़क पे हरकते करते हो, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पे हाथ उठाते हो और ऊपर से साफियों और सोशल मीडिया की धमकियां देते हो। डालो गाड़ी में इन्हें। सर चल गाड़ी में। ए, एक मिनट, जा रहे हैं हम, खुद जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं। हाँ हाँ चल जल्दी कर, चल ना बंद करे। अरे जल्दी चल, मेरे अब्बू को बता देंगे, अब्बू को बता देंगे क्या होगा। चलो जल्दी जल्दी चल, इब्राहिम खान तैयार हो जाओ, तुमने मेरी बेटी उतरवाई थी और अब मैं तुम्हारी इज्जत उतारने वाला हूं। छोड़ दिया तेरी गली।